बलिया प्रोफेसर कॉलोनी स्थित जी लर्न द्वारा संचालित किड्स स्कूल के बच्चों ने रैली में प्रतिभाग किया। रैली के माध्यम से सभी को बताया गया कि 10 फरवरी से सभी के घरों तक फाइलेरिया की दवा पहुंचेगी, तो आप सभी दवा का सेवन जरूर से जरूर करें। और जिनको फाइलेरिया की बीमारी है वो अपने नजदीकी हॉस्पिटल से संपर्क करें या फाइलेरिया विभाग से संपर्क करें। इस रैली में बच्चों का स्लोगन रहा, हम भी दवा खाएंगे और आप सभी भी दवा खाएं और फाइलेरिया को दूर भगाएं। इस अवसर पर विद्यालय की कोऑर्डिनेटर सपना पाठक, काउंसलर रागनी राय, प्रीति सिंह, आरती यादव, अंशु सिंह, लाली यादव, संजना यादव, सरोजनी गुप्ता, शशि तिवारी और विद्यालय के बच्चे उपस्थित रहे। सुनील कुमार यादव, जिला मलेरिया अधिकारी बलिया। आज सर कैसी रैली निकाली गई थी, क्या कुछ रहा? आज चूंकि हम लोग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, फाइलेरिया रोग उन्मूलन अभियान, जिसमें सभी एक वर्ष से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी पात्र लाभार्थियों को हमारी टीमें घर घर जाके अपने सामने ही फाइलेरिया रोधी दवाएं डीसी एवं अलवेंडा जाल खिलाएंगी। उसी की जागरूकता के लिए आज दिनांक 9 फरवरी को हम लोग एक रैली का प्लान किए थे, जिसमें हमारे पीसीआई एक संस्था है उसके द्वारा जो है कि 9 फाइलेरिया जागरूकता रथ को यहाँ पे भेजा गया है प्रचार प्रसार के लिए, और उसको लेते हुए हमारे यहाँ से किडजी एक छोटा स्कूल है बच्चों का, उनके बच्चों को बुलाया गया है। एनम ट्रेनिंग सेंटर की प्रशिक्षु एनम है, उनको लेकर हम लोग एक कंबाइंड रैली जो है सीमो साहब के आवास से लेके टीडी कॉलेज चौराहे होते हुए और फिर जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय पर समाप्त की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सपना पाठक किड्जी विद्यालय की कोऑर्डिनेटर हूँ। थी फाइलेरिया से संबंधित रैली निकाली गई थी फाइलेरिया से बचाव के लिए, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया और बच्चों को भी रैली में हम लोगों ने भाग दिलाया। और बच्चों का ये कहना था कि आप लोग भी दवा खाइए और फाइलेरिया का दूर भगाइए। लोगों को बस इसी तहत जागरूक किया गया कि कल फाइलेरिया दिवस है और फाइलेरिया दिवस पे ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसमें जिसको भी जो समस्या हो वो हॉस्पिटल में जाके संपर्क करें या फिर फाइलेरिया विभाग में संपर्क करें और दवाई जो भी मिल रही है उस दवा का नियमित रूप से सेवन करें। बच्चों को हम लोग ले गए और उनके बैनर तहत जो फाइलेरिया विभाग के लोग थे उनके बैनर तहत बच्चों को समझाया गया था कि हमें क्या बताना है, तो बच्चों ने यही बताया कि आप लोग भी दवा खाइए और हम भी दवा खाएंगे। हाँ बिल्कुल, हमारे टीचर्स जो हैं वो बच्चों के एक दूसरे पेरेंट्स हैं। हमारे बच्चे जो आते हैं हमारे यहाँ एक माँ बाप के पास है, दूसरे माँ बाप के पास आते हैं। घर से निकलते हैं जब तो वो ये सोच के जाते हैं कि हम अपने दूसरे घर में जा रहे हैं, और अगर उनको हम घर जैसा माहौल ना दें तो वो बच्चे एक मिनट भी हमारे यहाँ नहीं रुकते हैं। तो इन बच्चों को हमें अपने पास रखने के लिए कई तरह की गतिविधियाँ करानी होती हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट चलाने पड़ते हैं, और बच्चों को खेल कूद के माध्यम से बच्चों को प्रोजेक्टर चला के, बच्चों को राइम्स दिखा के, बच्चों को हर तरह से एंटरटेन करके हम लोग बच्चों को यहाँ पे रखते हैं। ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।